सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ, हर न्यूज सबसे पहले पाओ। 36 साल के शख्स ने डॉल से कर ली सगाई, कहा लड़की से ज्यादा आसान है डेट करना। जी टीएन रॉन्ग को किसी इंसान से नहीं बल्कि एक डॉल से प्यार हो गया है। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि उस व्यक्ति ने डॉल से सगाई कर ली, अब वह सबसे शादी भी करना चाहता है। टीएन रॉन्ग का कहना है कि इंसानों की तुलना में डॉल को डेट करना आसान है। बात हैरान करने वाली है लेकिन है सच। हांगकांग का एक शख्स जी टीएन रॉन्ग को किसी इंसान से नहीं बल्कि एक डॉल से प्यार हो गया है। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि उस व्यक्ति ने डॉल से सगाई कर ली, अब वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। टीएन रॉन्ग का कहना है कि इंसानों की तुलना में डॉल को डेट करना आसान है, इसलिए उसने उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया है। 36 साल के जी टीएन रॉन्ग ने अपनी डॉल गर्लफ्रेंड का नाम मोची रखा है। उसने बताया कि उसे किसी लड़की से शादी नहीं करनी है क्योंकि डॉल्स उसे बहुत पसंद आती है। यह 26 साल की उम्र में शुरू हुआ था। उस दौरान एक रिटेल स्टोर में डॉल को देखते ही उन्होंने यह फैसला किया कि उस डॉल की कीमत 80,000 युआन थी। उसे लेना उसमें टीएन रॉन्ग के बस की बात नहीं थी। भारतीय करेंसी में 80,000 युआन करीब 9 लाख रुपए होते हैं। डॉल को न खरीद पाने का मलाल टीएन रॉन्ग के दिल में टिस की तरह हो रहा था। वह लंबे समय तक अपनी हसरत को पूरा करने का ख्वाब संजोता रहा, पर पैसे की कमी से उसकी ख्वाहिशों का हमेशा गला घोट दिया। उसकी खुशी का तब ठिकाना नहीं रहा जब 2019 में उसने इंटरनेट पर मोची का एक विज्ञापन देखा। उसकी कीमत भी टीएन रॉन्ग के बजट में थी। उसके लिए टीएन रॉन्ग को सिर्फ 10,000 युआन यानी करीब 1 लाख रुपए खर्च करने पड़े। मोची को घर लाने के बाद उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वह उसकी हर तरह से देखभाल करता है। मोची से सगाई करने के बाद टीएन रॉन्ग उसे यह सुविधा दे रहा है कि जो किसी पत्नी का सपना होता है। टीएन रॉन्ग हांगकांग में अपने माता पिता के साथ रहते हैं। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में अपने करीबी दोस्त और परिवार की उपस्थिति में मोची के साथ सगाई की। टीएन रॉन्ग ने अपनी मंगेतर डाल को आईफोन 12 और महंगे कपड़े और गिफ्ट दिए। द सन की एक रिपोर्ट के अनुसार टीएन रॉन्ग ने कभी मोची के साथ संबंध नहीं बनाए। टीएन रॉन्ग ने दावा किया है कि उन्होंने मोची को कभी किस भी नहीं किया है। तो दोस्तों, हमारी ये न्यूज आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।